अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब की फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब अच्छे हैं माशाल्लाह। और आज देखो सुबह सुबह बारिश हो गई, रात को सो रहे थे तो गर्मी थी और सुबह बारिश हो गई। और बोलते हैं ना कल रात को उनाला था और आज ठंडी बारिश हो गई, ठंडी नहीं बारिश हो गई, क्या बोलते सो? आज मैसेज कह रहे थे राशि तो ना रात ना सूतो तो उनाड़ो तो उठो तो चौमासो। हाँ कल रात को मेरा दामाद बोल रहा था, कल रात को था ना तो गर्मी उनाड़ा था, सोया तो आज वो सो के उठा ना तो चौमासा आ गया। और इस तरह से दिन जा रहे देखो, और कहीं नाश्ता करके गया, अभी कितने बजे 2 बजे, कहीं नाश्ता करके गया, अरे भी अंडा रोटी खा के गया। और हमें माँ बेटी को भिंडी खानी थी तो हम भिंडी बना रही हूँ, और मेरी कैमरा में नहीं सोफी सही है, रोटी बन के रख दी है, 2-3 उतारूंगी सोफी के लिए, गरम गरम मेरे लिए पड़ी है। और ये देखो भिंडी तो आज मेरे साथ तो तबीयत लूज हो गई, सोफी की है, मैं तो मसाला वाला बोल रहा, मैं तो एनर्जी लेके आई, मैं कम बाहर निकलती हूँ ना इसकी वजह से, तो मुझे तो एनर्जी मसाला आ गई। देखो पूरी पूरी रात इंसान जग के पी लेता है ना, फिर भी देखो मसाला सुबह से काम कर रहे हो। अभी भी मैं बताऊंगी, मुझे छत का काम करने जाना है, मैंने दोनों छत में पानी भरा हुआ है, बिन बुलाए की बारिश आ गई। हाँ बिन बुलाए की बारिश आ गई, मेरे गद्दे भीग गए, गालीचे पिट गए, खटिया पिट गई, पता ही नहीं था हमें। सुबह उठे ना तो मेरे बकरे ऐसे 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 कर रहे, रुझ रहे थे, कपड़े भीग गए, काप रहे थे पूरे। हाँ काप रहे थे पूरे। हाँ सच में पता नहीं था ना हमें कि बारिश आ जाएगी, माहौल लग रहा था थोड़ा बहुत, पता नहीं था कि इतनी आएगी, बहुत ज्यादा ही आ गई है। कभी दोपहर के 2 बजे तो भी लग रहा है कि सुबह के 6 बज रहे हो। अभी आ रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। ये देखो मस्ती सूझी इसको। मैंने कहा तेरे पापा को कभी ताल पत्री ऊपर दे ना तो बांध दे ना, तो बकरी पर बारिश ना आए, कपड़े भी सूख रहे। ठीक है तो करो ये काम आप, अब तो बारिश है तो जा कहाँ जाएंगे? पूरा दिन तो नहीं, आधा दिन तो निकल गया, आधा दिन हम साथ रहते हैं क्योंकि मैं ये सब काम में थी, तो मैं कैमरा में आपका ये सब सीन नहीं ले सकी पूरे, लेकिन जो काम बचा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी। और सोफी मेरे साथ रहेगी सही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखो अब मैं डाल रही हूँ मिर्च, ये मिर्च पड़ जाए, बाद में मैं भिंडी डालूंगी। और सिर्फ सिंपल ही करना है और कुछ नहीं खाना सोफी को, सिर्फ सिंपल ही मिर्च वाली सिर्फ भिंडी। ये हमारी सिंपल सी भिंडी है, सोचाई बाद में भिंडी डालूंगी इसमें। ये देखो अब मैं भिंडी डाल रही हूँ और देखो दो रह गई इसमें, ये सिंपल सी भिंडी आप सबको बता रही हूँ, सिंपल सी रेसिपी सही है, ये हमारा घर का सिंपल सा खाना, क्योंकि 2-3 दिन से बाहर खाया ना अजमेर गए थे तो सोफी को सिर्फ यही खाना था, या दाल बना दे या ये बना दे, तो मैंने कहा चल यही बना देती हूँ। और ये देखो मैं आधा नींबू डाल रही हूँ इसमें क्योंकि इसकी चिका निकल जाए इसलिए, और कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें, ना धनिया ना हल्दी ना चटनी कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही। तो धनिया भी डाल सकते हैं खाना हो तो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको अच्छा लगे तो, वरना सिर्फ ऐसा ही खाना हो तो ऐसे ही बना सकते हैं, तो हम सिर्फ ऐसे ही बनाएंगे, रोटी के साथ में खाएंगे। ये
देखो मैं रोटी बना रही हूँ, भिंडी पक गई और अब बैठेंगे हम खाने। और बड़ी बड़ी बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है, तो मैं छोटी छोटी नहीं बना रही हूँ। बन भी गई रोटी मेरी। खोटी बात ना, और मादी कर ना ते खावा ही ना दीदू। स्नो वाइट दही खासे ही नहीं, पोते नो नहीं खावा दिए, सबने छोड़ दिया। मेरा बेटा खा रहा था। ये होती है बहू की निशानी है। कुछ भी नहीं खाते, उसको भी नहीं खाने देते। हाँ देखो चली गई अपने बच्चे के पास, बच्चे के पास चली गई। सिम्बा दही खाई है माँ? दी हो गई दाई। ये देखो सोफी खा रही है और बोलेगी कैसा हुआ सोफी, अलग के नीचे से नीचे तो उतर ले दे। अच्छा कोई बात नहीं, चल अलग के नीचे उतार ले। ये दही, ये दही तो इतना दे दिया है ना। नहीं सिर्फ मैंने इसमें डाला, हम दोनों माँ बेटी खाएंगे। और तेरे पापा को अंडा और रोटी में सबर नहीं मिला, तो देख डिश लेके आ गए। देख उसको भी खाना है भिंडी और रोटी। बहुत अच्छी बनी मम्मा, सच में मसाला बनी बहुत अच्छी बनी है, एकदम सिंपल सोबर सिंपल रेसिपी। मैंने भी ले लिया और सोफी ने भी ले लिया और आरिफ भी लेगा अभी, और ये रोटी और दही। चलो आप सबको खाना हो तो और बोलना किस किस को भिंडी अच्छी लगती है। हाँ। और वो भी बोलना आप क्या आप कहाँ से हो और आपके यहाँ पे बारिश है कि नहीं। हाँ कईम को भिंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मुझे भिंडी बहुत अच्छी लगती है। मैं सब कुछ खा लेती हूँ। हाँ सोफी सब कुछ खा लेती है, पर आरिफ का तो मन ही नहीं होता। कभी कभी तो खाता है कभी नहीं खाता, लेकिन आज खाएगा। देखो पेट कितनी बड़ी हुई है। अंडा रोटी अभी खा के गया, वापिस आया तो वापिस बोला मुझे खाना है, तुम दोनों खा रही हो तो। बारिश में भूख ज्यादा लगती है। हाँ बहुत अच्छा बनाए, सही में मसाला बहुत अच्छा बनाए और साथ में दही। कैसा बनाए पापा? पूरा एक महीना नहीं बनाया। रमजान में तो ये सब नहीं होता ना। आज सिंपल सी रेसिपी। डेली रूटीन आ गया हमारा। देखो मैं जा रही हूँ ऊपर और देख रही हूँ आरिफ क्या करता है। क्या कर रहा है आरिफ? ओह अभी भी बारिश आ रही है। और ये देखो मेरे गद्दे फूट गए, एक ही वाला। और ये देखो आरिफ कर रहा है दाल पत्री का, ये बकरों के लिए। ये मेरे बकरे खड़े हैं यहाँ पे, इस पर ना जाए ना। तो ये देखो यहाँ पे सब मेरे गद्दे उठ गए सब। ये तो सब ठीक है, ये तो कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन जिसकी बारी खेती है उसकी क्या हालत होगी। मैं तो वो सोच रही हूँ कि उसकी क्या हालत होगी। हम जब अजमेर से आ रहे थे ना, तो रास्ते में कितनी गाड़ियाँ भरी हुई थी मालूम है ना, यार्ड पर गेहूँ की प्याज की सब की। और यार्ड में तो पूरा माल भीग गया होगा ना, बेचारों। और ये देखो सोफी के जो डेकोरेट करने आए थे वो भाई वापिस आए। अभी मैं अम्मे के लिए अभी मैं चाय बनाऊंगा। हाँ। और मैं चिराग करूंगी, अगरबत्ती करूंगी और बाद में माँ बेटे जाएंगे बाजार। क्योंकि आज सोफी नहीं हमारे साथ आने वाली, हम हाँ, दोनों जा रहे हैं। हम दोनों मैं और अम्मी, मुझे दो तीन चीजें लेनी थी तो आज इसके पापा नहीं आ रहे साथ में, तो कहीं बोला मैं तेरे साथ में आता हूँ। तो मैं लाइट चालू कर देता हूँ।
देखो माँ से हमने किस तरह से ढक दिया आज मैंने और तेरे पापा ने। हाँ दिखा देता हूँ पूरा ताल पत्रे से ढक दिया क्योंकि वो बारिश ना अच्छा अच्छी तरह कैसे किया है कपड़ों के लिए किया है। सब सुबह धूप निकलेगी तो मैं डाल दूंगी वापस। हाँ अच्छी अभी देखो किस तरह से ये उबल रही है। चाय बन चुकी है और मैं अम्मी को देने जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे दोनों माँ बेटी मस्ती कर रही है आपको सुनाई देगा होगा। ये लो अम्मी आपकी चाय। मैं और अम्मी अभी जा रहे हैं कुछ बाहर लेने। क्या क्या अम्मी क्या क्या लेने जा रहे हैं? मुझे मेडिकल में से एक दवा लेनी थी मेरी जो खत्म हो गई है वो। और दूसरा क्या लेना था? हाँ चिराग जे चिराग जे ना उसके वो कटोरे दिए। हाँ वो उसके लिए आ भी आ गए हम भी आ गए। अच्छा अच्छा वाली साहब ऐसी बात हमारा कॉलेज है ना कटोरा हमारी क्या अभी हम निकल चुके हैं मैं और अम्मी। अम्मी पीछे आ रही है मैं गाड़ी निकालने जा रहा हूँ। अभी देखते हैं किधर हम जाते हैं पता नहीं है अम्मी को पता है। अम्मी बोले कि वहाँ पे हम जाएंगे। किधर किधर जा रहे हैं अम्मी? हम जा रहे हैं दरबार पटनी खंबाड़िया के नाके। वहाँ पे एक दो चीजें लेनी है ना वो लेने जा रहे हैं। ओके तो पहले वहाँ पे मैं ले लूँ? ले ले वरना दुकान बंद हो जाएगी क्योंकि 8 तो बज गए। निकलना था जल्दी लेकिन मेहमान आ गए तो बैठ गए। ओके चलो। मेहमान तो नहीं थी वो मेरी भाभी ही थी। हाँ। चलो वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ। हाँ। आप ट्रैफिक देख सकते हो कितना रश है। ट्रैफिक ट्रैफिक है पूरी जगह पे। मम्मी क्या सोच रहे हो आप? मैं सोच रही हूँ कि पहले खंभाड़िया के नाके जाके जो लेनी है ना मिट्टी की वाटकी वो लेके आते हैं। बाद में जाते हैं मेडिकल में दवा लेते हैं। आएगा क्या किया मेरे साथ? मैंने कहा बंद नहीं हो जाएगा ना सब। नहीं नहीं साला अभी तो खुला ही है। सोच रही हूँ आज इसलिए निकले ना सैटरडे है कल संडे होगा तो फिर सब बंद हो चुका होगा। हाँ वही ना। और देख तो कपड़े कितने अच्छे आए। हाँ सब जगह पे ना लेकिन गर्मी में नहीं पहन सकते एक भी इसमें सर। वही सोच रही बेटा। और मुझे राजकोट से क्या लेना था मालूम है? क्या लेना था? अरे 2-3 बार सोफी को बोला कि कहीं को कि भूली कहीं भी सोफी भी तो कोई बात नहीं मैं मेरे दोस्त से कॉल करके मंगवा लेता हूँ। मेरे को बोलो। हाँ उसमें को बोलना भेज दे पोछा। आ चुका है खंभाड़िया गेट। अभी इसमें काम चालू है इंशाल्लाह फिर मैं और सोफी और अम्मी और सब आएंगे यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। जो पुजिया कोठा बोलते हैं अभी वो काम चालू है उसका बन जाएगा उसकी ओपनिंग होगी अभी तभी हम आएंगे। और जो अम्मी को चीज लेनी है वो दुकान आ गई सामने आपको दिखाता हूँ मैं। ये वाली साइड में और भी यहाँ में भी जाना है और साइड में भी जाना है दो दुकानें। और ये एक भारत है ब्रोम्स। हाँ। ये भी भाई है उसका। वो तीनों भाई ने यहाँ पे दुकान रखी है। हाँ। चलो जाके अंदर आपको जाके दिखाते हैं। ये पूरी मिट्टी की दुकान सब चीज कौन सी लिया हमने? कितना लिया? 4। हम 4 दीवे करते हैं ना एक गोस्पा का एक दादा पीर का एक आम का और एक ख्वाजा गरीब नवाज।
सब फिर क्या करते हैं तो मेरे गरीब नवाज को क्यों मैं छोड़ दूँ। हाँ हाँ सही, सब उसका ही कारण है तो गरीब नवाज का गेट करती हूँ। चार ले लिया ना, फिर बोतल बोतल कुछ लेना है, बोतल भी मिलता है यहाँ पे। मैं और अम्मी जा रही है यहाँ पे प्लास्टिक की दुकान पे, क्योंकि मेरी होटल में प्लेट नहीं है, सब टूट चुकी है, इसलिए मैं और अम्मी आई है यहाँ पे प्लास्टिक की दुकान पे। ये बहुत अच्छी है, देखो ये हर चीज यहाँ पे अच्छी मिलती है आपको, कांच में, प्लास्टिक में, सब वगैरह में मिल जाती है सब आइटम। अभी यहाँ से तो क्यों निकल चुके हैं मैं और अम्मी, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट थी वो मेरे होटल के लिए नहीं थी, घर के लिए, इसलिए हम वापस हम निकल चुके हैं। क्यों अम्मी? अम्मी दवाई लेने जाएगी, अभी होटल का सामान कल पे रखते हैं कि होटल में दो तीन आइटम लेने की है, रमजान थी इसलिए सब आधी चीज बिखर चुकी है, टूट चुकी है। हाँ। होटल का व्लॉग इंशाल्लाह मैं कल में दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें हाँ, लेनी है और क्या क्या, क्या जो रमजान में बिगड़ गई है तो लेना है, जो टूटा रमजान में कि जल्दबाजी में आके काम करते आदमी लोग तो इसलिए वहाँ पे टूट जाता है सब। और कहीं पूरी रमजान में आधा दिन नहीं गया, आधा दिन तो पूरा दिन में गया नहीं हूँ कि मैं उसके ऊपर चिल्ला के मैं बोल सकता हूँ कि भाई आराम से काम करो, इसलिए इसलिए चलो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। दवा मैंने ले ली है यहाँ से और अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि सोफी का कॉल आया था कि मेरे लिए कुछ खाना लेके आना बाहर से, हाँ नाश्ता मतलब, तो हम बाहर अभी जा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ कौन सी जगह से क्या लेता हूँ। सही है, बन चुके हैं। मैंने और अम्मी ने ले लिया है, अभी हम डायरेक्ट जाते हैं घर पे, घर पे जाके दिखाते हैं। बस सोफी को नाश्ता करना था तो ये उसके लिए ले लिया है। हाँ। और मैं फोन लेके बैठी थी, कहीं पार्सल करवा रहा था, अब जा घर पे। यहाँ पे मेरी अम्मी ले रही है, क्या ले रही है अम्मी? तार गोला। तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कमेंट में बोलना, आपको दिखाएंगे ये चीज क्या है। हाँ उसको बोलते हैं तार गोला। ये बड़े ये छोटे तार गोला पूरे साल में एक ही साल आता है। पैसा दे दीजा ये देखो मैं सोफी के लिए निकाल के लेके आई और सोफी अब खाएगी ये राइस, उसको नाश्ता करना था। चलो मैं तो थक गई, बस ये व्लॉग था यहीं तक। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम मिलते हैं, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखना खास करके, सही है? अल्लाह।